अब यार आ चुकी है हम लोगों की ट्रेन, पर रूम तो काफी सही है, तो मैंने सोचा कि ये गूगल रूम नहीं लग रहा है मेरे को, इसीलिए दैट्स कॉल्ड पिंक सिटी। व्हाट यू लाइक इन जयपुर? या जो ब्रो, दिस बड़ा सर, वेलकम टू आवर चैनल एआई व्लॉग। यार अभी इस समय तो मैं हूँ स्टोर रूम में अपने, और आज हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बाहर तो यार निकल रहे हैं, लेकिन आज वीडियो की स्टार्टिंग मैं नहीं करने वाला हूँ। कोई स्पेशल इंसान है, इंसान क्या बोलूँ या और कुछ बोलूँ, वो करेगा वीडियो की स्टार्टिंग। कौन करेगा वीडियो की स्टार्टिंग? इधर आओ, तुम इधर आओ, वीडियो की स्टार्टिंग नहीं करोगी, ये करेगा वीडियो की स्टार्टिंग, माई कैट। कौन करेगा वीडियो की स्टार्टिंग? ना गंदी बात, ना एक बार फिर से बोल दो, अरे प्यारी गंदी बात। अरे और एक दूसरा भी है जो वीडियो की स्टार्टिंग और कर सकता, कुछ ये भी कर सकता है वीडियो की स्टार्टिंग, दूसरा वाला वीडियो की स्टार्टिंग। और ये आई हैव टू, सब देख सकते हो, ये है और एक ये मेरा छोटंका, देख रहे हो दोनों को, ये बड़े वाले हैं, मतलब ये बिल्ला है ये जो दिख रहा है, और ये मेरी बिल्ली है छोटी सी प्यारी सी। सो ये वीडियो की स्टार्टिंग इन्हीं लोगों ने कर दी, ठीक है। अक्सर अब हेयर कट यार आपको अच्छा लग रहा हो, सो लीजिए पहले आपका टाइम लैप्स फॉर द हेयर कट। और एक्चुअली हम लोग अभी इस समय निकले यार, टाइम हो रहा है हम लोग का 11:20 एंड हम लोग को पहुंचना है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, एंड उसके बाद में हम लोग यार चलेंगे। सुना आपने, और आप देख सकते हो मेरे पीछे दोस्त इस अच्छा में, एंड रिसा भी ये बैठा हुआ है, और अभी बाकी आपके दोस्तों से अपने मिलवाने वाला हूँ। यार इस समय हम लोग यार सेंट्रल पहुंच चुके हैं, और यार कानपुर में अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, एंड यार अभी पीछे देख रहे हो जैसे ना, ये जो लिखा हुआ पीछे, इस हाथ में मेरा बैग है ना, ये यार पबजी वाला इमोट होता नहीं है जो इस तरीके का कोई, अब कितनेस भी करके दिखाएंगे इस तरह का रहता, कितनेस भी आप दिखाई करके, क्योंकि आप काफी अच्छा करते हो। हाँ दिख रहा हूँ, करो करो करो, मुंडा उठाओ, इस तरह कर रहा था भाई इमोट। यार देखो बात ये है कि यार हम लोगों की ट्रेन जो थी यार वो 1:30 पे आने वाली थी, बट यार लेट हो गया, वो 2 बजे दिखा रही हो, 2 से क्या होता है, और यार कानपुर का है सब ये और इंडिया है तो भाई लेट तो चलेगा ना यार, वही लेट होगी ट्रेन, यही आधा घंटा लेट, रियलिटी में क्या कितना लेट है तो आगे पता लगेगा कि हम लोग अपनी ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं। तो भाई 2 से 3 पार्ट आ सकते हैं जिस जगह मैं जा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, आपको हिंट देता हूँ, राजस्थान, और उसके अंदर जो जगह है वो आप खुद आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। हेलो, कभी हम लोग क्या होगा ना कि जो दोस्त लोग खड़ा है ना, ये हम लोग कुछ नई चीज सिखाएंगे, और देखते हैं क्या सिखाते। चलो मैं क्या सिखाओगे यार, पहली बात तो करवाना नहीं है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैर आगे होगा, आपकी बॉडी किस तरह हिलानी होगी, जो ये कहा करता है, ये स्टेप होगा हम लोग का ट्रेन के ऊपर। हेलो, जो पीछे देख रहे हो ना हम लोग का, यार अब हम लोग ट्रेन के पास आ चुके, जो पटरियां हैं ना यहाँ पे, सब लोग दोस्तों के साथ में, जीडा की जो टीम है पूरी, हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए। हम लोग का पता ही थी आप लोगों सर, जैसे भी ट्रेन की है, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इस समय आए हुए, एंड ये 2 बजे का टाइमिंग है, एंड अगर अभी अभी इस समय बताएं आपको 1:04 हो रहा है अभी AM, मतलब यार AM मतलब सवेरा नहीं है, रात हो रही है हम लोगों की, क्योंकि रात में ही ट्रेन हम लोग की आने वाली है। बस यार बाकी आपको अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब यार आ चुकी हम लोग की ट्रेन, पीछे देख रहे हो इलाहाबाद जयपुर हम लोग आ चुके, और हम लोग अंदर चलते हैं, ठीक है। यार अब हम लोग यार ट्रेन में बैठ चुके अपनी जगह पे, और यार थोड़ा सा बाल बाल अनस्टेबल हो गए, क्योंकि भाई सुबह नहाया था, उसके बाद ना हेयर ड्रायर किया ना कुछ, जस्ट यार थोड़ा सा तैयार हुए, जैकेट डाली, टी शर्ट डाला, पैंट और सब कुछ करके यार चले आए। भाई लोग यार इस समय क्या है ना, हम लोग यार थोड़ा सा ट्रीट का मजा ले रहे हैं, ये सब जो हो गई, और इनका जो देख रहे हो ये
सब लोग मजा ले रहे हैं, अपने भैया प्रियांशु जी भी हैं, सब लोग देख रहे हो, सब लोग एंजॉय ले रहे हैं। ट्रेन में जो मजा होता है दोस्तों के साथ, पीछे ही बंदे अपने दोस्त हैं ये सब लोग, और मतलब भाई ऐसे ही मजा आता है, मतलब अगर दोस्तों के साथ में रहो जंगली से हो गए जानने। हाँ भाई यार, अभी इस समय यार थोड़ी देर पहले हम लोग उठे हैं यार, और इससे हम लोग का काम चल रहा है यार, मतलब आईफोन की फ्लैश लाइट है जो मेरे भाई की है ऋषभ की, और अभी बोले इसलिए आप लोग को गुड मॉर्निंग यार। अभी जस्ट यार टाइम हो रहा है मेरा, आपको अगर देख के बताऊँ 6:42 AM, एंड अभी हम लोग शायद आगरा में पहुँचे हुए हैं। कल जब मैं मतलब निकला था ना, तो सुबह मैंने फ्लैक्स लगा ली थी, मैंने सोचा था कल शाम को हम लोग की ट्रेन है रात में, तो फिर नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड फिर सो गए हम लोग यार, मतलब रात में शायद 10-11 बज गया था, और 12 बजे के आसपास हम लोगों को निकलना था, तो यार बस बैग सप्लाई करी जस्टर निकल आया स्टेशन पे। इसके बाद यार जब अभी सो के मैं उठा हूँ तो भाई बाल जो है काफ़ी स्टिकी से लग रहे थे, तो मैंने सोचा यार कि बस यार फिर बाल धोते, तो भाई एक बोतल की व्यवस्था करी जो अपना अनिकेत भाई से मांगी, वो नीचे पड़ी थी, एंड वॉश बेसिन में टेढ़ी मेढ़ी करके हम लोगों ने काम चलाया, और यार बस ये सब करने के बाद धुले और मुँह धुला, और ये इस समय ये बाल बाल है भाई। लोग एक बार बताएं, यहाँ पे यार हम लोग बाहर देख रहे हैं ट्रेन से, तो मुझे स्पेशल दिख रहा था स्वच्छ भारत अभियान, आपको देखना क्या होता, अभी आपको दिखाते हैं स्वच्छ भारत अभियान क्या होता है इंडिया का। वो देखो स्वच्छ भारत अभियान, वो देखो स्वच्छ भारत अभियान, अंकल गुड जॉब, देखो स्वच्छ भारत अभियान। भाई लोग ये एरिया जो हम लोग आए कहलाता है संडास एरिया, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं पर बैठ सकते हो, खेत एरिया है वहाँ पे जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, एंड भाई लोग यार ये स्वच्छ भारत अभियान, अंकल जी हैप्पी जर्नी। यार फाइनली हम लोग यार इस समय जयपुर यार पहुंच चुके हैं, ट्रेन में है जहाँ पे हम लोग को जाना है होटल, तो यार बस से अप्रोक्सीमेटली अब 10-15-20 मिनट आधा घंटे का रास्ता और उसके बाद हम लोग रुक के मिलेंगे। हेलो यार, अभी हम लोग बहुत इतना थक गए हैं, पहली बात तो कल नहाया था हम लोगों ने सुबेरे, और उसके बाद से यार आज कुछ दर्शन मिले पानी के, हम लोग पानी के दर्शन नहीं हुए अभी, बस होटल पहुँचते हम लोग फ्रेश होंगे और फिर अपनी यात्रा की ओर निकल पड़ेंगे। वही मतलब आज बिल्कुल रेस्ट हम लोगों यार नहीं मिल रहा है, जैसे कि हम लोग पता चला जस्ट यार होटल पहुँचते तुरंत थोड़ा बहुत फ्रेश और तुरंत निकलना है, क्योंकि 3 दिन का टूर हम लोगों का है यार, तो बस जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा हम लोगों को। अभी यार हम लोग जस्ट यार बस में बैठे हैं, इससे हम लोग को जाना है यार होटल हवा महल नाम से होटल हम लोग का है वहाँ पे, थोड़ी देर मतलब तैयार व्यार होना 10-15 मिनट के अंदर, उसके बाद हम लोग को कहीं बाहर जाना। अभी जब अंदर आए तो ये कोल्ड ड्रिंक मिली है, अभी हम लोग रूम में चलेंगे तो देखेंगे क्या माल है क्या चीज़ है, सब कुछ देख रहे सब जुटे पड़े अपने कोल्ड ड्रिंक पीने में, हम लोग भी चल रहे हैं मजा आएगा। भाई रूम तो काफ़ी सही है, थोड़ा सा देख रहे हैं, देखो भाई हम सब लोग पहुंच चुके हैं, रूम कैसा है भाई, काफ़ी अच्छा है भाई, मतलब बेड वेड काफ़ी मतलब सही लग रहा है यार देखने में, देखो ऐसा जी है एंड सी दैट काफ़ी अच्छा सा लग रहा है बेड, और वॉशरूम किस टाइप का कहा हम लोग हैं इस साइड ही होगा यही, लेट्स सी बाइक लेवल तक का मतलब सही है सभी है, और ये देख रहे हो सब मतलब नॉर्मल सही है सब कुछ अच्छा, और अच्छा क्या चाहिए मतलब एक लेवल पे मतलब सही है हम लोगों का, किसी को आप लोगों को पता नहीं होगा हगना कहाँ है, तो ये बना है कमोड़, अरे महिला ये देखो भाई यहाँ तो भैया वेस्टर्न कल्चर यहाँ से फॉलो करने लगे, पानी का हम लोग यहाँ बिना पानी के नहीं कुछ कर सकते यार, भाई 10 मिनट के अंदर काम सारा खाना बनना है, रेडी हम लोग आते हैं रेडी हो गए। सो मतलब अभी आप लोग देख सकते हो जस्ट यार अभी नहा धो के हम लोग, क्या हुआ यार अभी मैं मतलब वहां से आया था, तो भाई बड़ा बोरियत था फील कर रहा, आप जानते हो यार ट्रेन का सफर 2:30 बजे की ट्रेन, उसके बाद में यार हम लोग सुबह उठे यार भाई 6-7 बजे के अप्रोक्सीमेटली, 3 बजे हम लोग वहाँ पे सोए थे, एंड उसके बाद वहाँ पे नहाया धोया तो नॉन कुछ था नहीं यार, पहली बात तो जब नहाया धो रहे तो बड़ा बोरियत सा फील हो रहा है, कुछ किया नहीं तो मतलब एक जोश नहीं आया, एंड हाउ इज द जोश, एंड अब क्या हुआ मैं हम लोग होटल पे हवा महल से आपने क्लिप देखी होगी बाहर की, बाकी आपको मैं और दिखा दूंगा क्या क्या है, एंड आपने इंटीरियर देखा होगा सब कुछ देख ही लिया होगा, देखो ये सब, और मैं आपको लुक की बात बताऊँ भाई, आप देख सकते हो इसमें मैंने भाई वैक्स पे यूज नहीं करी ऑलरेडी, मैंने कल ये वैक्स यूज करी हुई थी यहाँ पे, ये मेरी ऑरेंज शर्ट है एंड यहाँ पे स्ट्रिप्स लगी हुई ब्लैक, एंड अगर आप नीचे देखोगे तो भाई ये मेरी जीन्स है यहाँ पे, मैंने पिन रोल किया हुआ है और भाई शूज मैंने फैला के, एंड बताओ भाई लोग कैसा लुक लग रहा है, ठीक है भाई लोग चलते हैं फिर आगे। ये हम लोग का माल है पनीर मखनी,
हल्का रहना ज़्यादा नहीं, बस बस सही है थैंक यू यू ब्रो, हल्की सी देना बस सही है, बस 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 सही है ठीक। वेरी सैलेड सैलेड वेरी इधर से भाई लोग यार मुझे खाना यार काफी सही लग रहा है। ऋषभ भाई नाम है, खाना कैसा लगा? खाना एक नंबर टेस्टी है। हेलो हम लोग यार चल रहे हैं, मतलब हम लोग का खाना वाना हो चुका है एंड सब दोस्त लोग हैं पीछे आप देख रहे हो, सब दोस्त इकट्ठा हो गए एंड बस आ चुकी है। जैसे यार आप सब लोग देख रहे हो ना, हम लोग इस मंदिर में आए, बिरला मंदिर कहते हैं। भले अगर देख रहे हो यहाँ पे जो नाम लिखा है इस पूरे टेंपल का, तो लिखा बिरला फैमिली म्यूजियम एंड यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री के हैं। आपको कैसा लगा ये लगा यार काफी। पहली बात तो यार इनको नींद आ रही है और उसके बारे में बता नहीं सकते, तो बाकी भी हम लोग के दोस्त लोग तो भागे पड़े हैं। हाँ ये ट्रेन में सोए नहीं और उसकी वजह से इन लोगों को आ रही नींद। इन लोगों क्या मतलब एक्चुअली इनको ही नींद आ रही है भाई, मेरा तो सही है। हम तो आप तो देखते हो मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, उन लोगों का पता नहीं दोस्तों उनका स्लो मोशन और फोटो शूट सब कुछ चल रहा है। अपने को क्या है, अपने को तो ब्लॉगिंग करना है, कोई मतलब ही नहीं। Where are you from? China. And China from China. I love China and you too. Yes. You love India or not? Yes, so, I love it. My name is Angel. Your name is Angel? Yes. Thank you. बोलो भाई क्या बोल रहे थे यार तुम? यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि अपना इंडिया है। So what's your name? Jack. Jack. Yeah. Okay. And where are you from? China. China. What you like in Jaipur? Yeah. What do you like? Do you like that museum? Yeah. Do you like it? Nice city. So, I like China and I've heard that there is a many variety type of people and there is very different type of people and so what do you know about India? India for me, it's nice people here. Yeah. Okay. It's nice people here. Yeah. Okay. Thank you. So, what you told me your name? What's Jack. Your name? Jack, thank you Jack for giving me this information. No problem. देखो इन सब का फोटो शूट चल रहा है इनका, तो इन सब लोगों का और ये सब मरे पड़े हैं, ये सब इन जैसे लोग सब स्लो मोशन पे मरे पड़े हैं। भाई देखो हम लोग यार यहाँ पे मतलब घूम के सब आए थे नीचे, तो यहाँ पे एक शॉप मिली थी, यहाँ पे गॉगल्स काफी सारे आप देख रहे हो ना, तो मैंने सोचा कि ये गॉगल्स सही लग रहा है मेरे फेस पे, तो और ये तो परेशान है, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये फाइनल हम लोग और प्रियांशु भैया का जो फाइनल हुआ वो ये है, देख सकते हो लौंडे सारे स्मार्ट अब इनका ये फाइनल हुआ और ये इसको नहीं समझ यार। भाई लोग एक चीज और यहाँ पे यार, मतलब जयपुर साइड में आया तो हूँ लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी, जैसे मैं कानपुर में देखता हूँ कहीं कहीं कचरा है या कुछ है, भाई यहाँ पे अगर देखोगे रोडें इतनी क्लियर लगती है कि भाई लगता है जस्ट अभी रोड साफ हो गई, गंदगी तो भाई बिल्कुल नहीं। और पिंक सिटी जो बोलते हैं, जो यहाँ पे फोर्ट बने हुए रियली पिंक है यार देखो ये, और जो पीछे हैं एंड मेन चीज मुझे लगा स्टार्टिंग में जब जयपुर के अंदर मैंने एंट्री करी थी, यार पिंक सिटी यार है कैसे, मतलब मैं एंट्री लिया और मतलब सब कुछ नॉर्मल से दिख रहा था, तो कुछ देर बाद मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा जो हम इनके यहाँ जयपुर में किले बने हुए हैं उसको लेके ही लोग कहते हैं कि जयपुर पिंक सिटी है। वैसे अगर नॉर्मली आप देखोगे आके तो सब कुछ नॉर्मल, बट क्योंकि किले जितने भी बने हुए अधिकतर सब पिंक कलर में, इसीलिए दैट्स कॉल्ड पिंक सिटी। दैट अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करना ठीक है भाई लोग।